प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर केवड़िया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान की संसद में पुलवामा हमले पर कबूलनामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के राजनीतिक दलों को देश विरोधी ताकतों के हाथों में न खेलने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आज हम 130 करोड़ देशवासी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जो सशक्त भी हो और सक्षम भी, जिसमें समानता भी हो और संभावनाएं भी। आत्मनिर्भर देश ही अपनी प्रगति के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी आश्वस्त रह सकता है। इसलिए आज देश रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई वाणी प्रसाद के रूप में प्राप्त की। मेरी बात बताने से पहले मैं आप सबसे भारत माता की जय का जय घोष कराऊंगा और आप सबसे मेरा आग्रह है, यूनिफॉर्म वाले सभी जवानों से भी आग्रह है और दूर दूर पहाड़ियों पर बैठे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को भी मेरा आग्रह है कि एक हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सरदार साहब का स्मरण करते हुए हम भारत माता की जय का घोष करेंगे। मैं तीन बार करवाऊंगा। पुलिस बेड़े के वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की। कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की। आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। मैं कहूंगा सरदार पटेल, आप लोग दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। 2014 में हम सभी ने उनके जन्मदिन को भारत की एकता के पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। इन 6 वर्षों में देश ने गांवों से लेकर महानगरों तक, पूरब से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सभी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। आज एक बार फिर यह देश मां भारती के महान सपूत को, देश के लोह पुरुष को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहा है। आज एक बार फिर यह देश सरदार पटेल की इस गगनचुंबी प्रतिमा के सानिध्य में, उनकी छाया में देश की प्रगति के महायज्ञ का अपना प्राण दोहरा रहा है। साथियों,
मैं कल दोपहर ही केवड़िया पहुंच गया था और केवड़िया पहुंचने के बाद कल से लेकर अब तक यहां केवड़िया में जंगल सफारी पार्क, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन जैसे अनेक नए स्थलों का लोकार्पण हुआ है। बहुत ही कम समय में सरदार सरोवर डैम के साथ जुड़ा हुआ ये भव्य निर्माण एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का, नए भारत की प्रगति का तीर्थ स्थल बन गया है। आने वाले समय में मां नर्मदा के तट पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया के टूरिज्म मैप पर ये स्थान अपनी जगह बनाने वाला है, छाने जा रहा है। आज सरदार सरोवर से साबरमती रिवर फ्रंट तक सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ये देश की पहली और अपने आप में अनूठी सी प्लेन सेवा है। सरदार साहब के दर्शन के लिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए देशवासियों को अब सी प्लेन सर्विस का भी विकल्प मिलेगा। ये सारे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। इससे यहां के लोगों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को रोजगार के भी नए मौके मिल रहे हैं। इन उपलब्धियों के लिए भी मैं गुजरात सरकार को, गुजरात के सभी नागरिकों को और सभी 130 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कल जब मैं सारे क्षेत्रों पे पूरे दिन जा रहा था और वहां गाइड के रूप में यहीं आसपास के गांव के हमारी बेटियां जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस गहराई के साथ, सभी सवालों के जानकारी के साथ, त्वरित उत्तरों के साथ मुझे गाइड कर रही थी, मैं सच में बताता हूं मेरा मस्तक ऊंचा हो गया। मेरे देश की गांव की आदिवासी कन्याओं का ये सामर्थ्य, उनकी एक क्षमता अभिभूत करने वाली थी। मैं उन सभी बच्चों को, इतने कम समय में उन्होंने जो महारत हासिल की है और इसमें एक नया, एक प्रकार से एक्सपर्टाइज को जोड़ा है, प्रोफेशनलिज्म को जोड़ा है, मैं उनको भी आज हृदय से मेरी आदिवासी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये भी अद्भुत संयोग है कि आज ही महर्षि वाल्मीकि जयंती भी है। आज हम भारत की जिस सांस्कृतिक एकता का दर्शन करते हैं, जिस भारत को अनुभव करते हैं, उसे और जीवंत और ऊर्जावान बनाने का काम सदियों पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने ही किया था। भगवान राम के आदर्श, राम के संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी को ही जाता है। राष्ट्र को, मातृभूमि को,
सबसे बढ़कर मानने का, महर्षि वाल्मीकि का जो उद्घोष था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो मंत्र था वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का, उस संकल्प का मजबूत आधार है। मैं सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के भी हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमय मले अंगल मलये मालिल मिदुदु पोल परिदु इल्ले इन्नरु नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिर एदु वेरे पन्नरुम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलीर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोम इंगते एमक्की कल्ले इडे। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है, और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है, नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, सम्मानित जो सफल विश्व में, सम्मानित जो सफल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.